हेलो फ्रेंड, दिस इज मौलिशा परमा फ्रॉम ज्ञान उदय ज्ञान, स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? यानी यहाँ पे एक रेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन में बोला है कि उस रेशनल नंबर को हमको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब उन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनका आंसर आएगा, मींस जो उनका प्रोडक्ट आएगा, उससे हमको 2/3 को उससे ऐड करना है। फिर उन दोनों का जब आप ऐड कर दोगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? -7/12। नाउ व्हाट इज़ द नंबर? तो इधर हम क्या कर लेंगे, रेशनल नंबर को x मान लेंगे। लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो उसमें क्या बोला है कि हम पहले जो रेशनल नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/2 से। तो मींस एक्स है, एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2। फिर 2/3 को इन दोनों के प्रोडक्ट से ऐड करेंगे, तो +2/3। अब आंसर हमारा क्या आएगा? -7/12। तो ये है हमारी इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो x इंटू 5/2 तो क्या हो जाएगा? 5x/2 +2/3 -7/12। अब हम 5x/2 को साइड में ले लेंगे। 5x/2 -7/12। 2/3 इधर आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। सो -2/3। नाउ 5x/2। अब हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 12 और 3 का एलसीएम आएगा 12। 12 एलसीएम, 12 के टेबल में 12, 1 टाइम 7 × 1 -7। नाउ माइनस, अब इधर इधर क्या आएगा हमारा? 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? 4 टाइम, 4 × 2 = 8। तो इधर आ जाएगा हमारा 8। नाउ 5x/12 एज इट इज रहेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, सो 7 + 8 = 15। और साइन हमें हमेशा किसका आता है? नेगेटिव का। सो लास्ट में 12। अब इधर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हम साइड में ले लेंगे। अब हमारा ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये हमारा ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, लाइक अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो -15 × 2, अब ये हमारा 5 नीचे आएगा, सो 12 × 5। अब हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, इधर आ जाएगा हमारा 3, 5 × 3 = 15। इधर हम 12 को 2 से कट कर सकते हैं, 2 × 6 = 12। And now 3 × 6 = 2। So हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस ये है हमारा ऊपर 1, नीचे 2। So this was the answer of this question. Thank you and have a nice day.